आज हम एक फ्लेक्ट आउट सीडी को यूज़ करके एक सीडी कैंडल स्टैंड बनाने वाले हैं। ये कुछ डिफरेंट होने वाला है और सामने दिवाली भी आ रही है, तो आप सब भी अपने घरों में इसे बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने ये एक सीडी ली है जो हमारे कोई काम की नहीं है। इस सीडी पे हम डेकोरेट करने वाले हैं। सब इस पे हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एक पिकॉक का रहेगा। ये एक शार्पनर है जो हम यूज़ करेंगे। ये एक प्लास्टिक शार्पनर थी, ये मैंने इसे गोल्डन पेंट किया है ताकि ये बहुत अच्छा लुक दे, इसे शाइनी लुक दे। हम इस पोर्शन को कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके लिए कुछ और सोच के रखा है। सबसे पहले हमें इसे इस जगह पे सेंटर पे पीस करना है। हम यहाँ पे एक ग्लू की मदद से इसे पेस्ट करने वाले हैं। ये हमारा कैंडल है, सो हमें देखना है हमारा कैंडल इस पोजीशन पे आना चाहिए। सो हमने पिकॉक को एकदम सही तरीके से लगाया है। ये आप देख सकते हो कि लग चुका है। अब ये जो है पिकॉक के पंख के लिए हमने ये बनाया है। ये जो है ये मैंने मोती का, मेरे पास एक बूटी पड़ी थी, इसे जस्ट मैंने वायर की मदद से इस तरीके से बेंड करा दिया है ताकि ये पिकॉक के पंख का लुक दे सके। इसे मैं इस जगह पे पेस्ट करने वाली हूँ ग्लू की मदद से। देखिए ये जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें उसे कवर नहीं करना है ब्लेड को, वो इसके पंख की वजह से कवर हो चुकी है। आप देख रहे हो कितना अच्छा लुक आ रहा है पिकॉक के पंख का। अब जो हमें करना है वो है ये कैंडल हमें यहाँ प्लेस करना है। सिंस कि पूरा पोर्शन गोल्ड है, सो हमें इसे गोल्डन लुक देने के लिए हम इस तरह के बीड्स इस पर पेस्ट करेंगे। हमें बस ग्लू लगा के बीड्स को पेस्ट करना है। हमारा हो चुका है रेडी। अब हम इसे इस जगह पे पेस्ट करेंगे। हमने पीछे ग्लू लगाया। आप देख सकते हैं हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हो गया ये। अब हमें ये गोल्डन बीड्स को इसके पूरे पिकॉक के राउंड में लगाना है। आपको ये फ्रंट और बैक दोनों तरफ अप्लाई करना होगा। ये हमारा आप देख सकते हो ये वाला रेडी हो चुका है। हमने बैक को और पूरे सामने कवर कर दिया है इसे। अब द नेक्स्ट स्टेप इज हमें ये जो हमारे पास मोती है हम इसका लेयर इस तरीके से बाहर की तरफ देंगे। ये हाफ मोती है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप इसी जगह कुछ भी दे सकते हो, बीड्स या कुछ भी दे सकते हो। ये हमने दिया है 1 2 3 4 5 6। नाउ व्हाट वी हैव टू इज हम इस तरह के रेड स्टोन लेके 6 रेड स्टोन लेने वाले हैं। देन अगेन हमें ये मोती वाली लाइन यहाँ पे कंप्लीट करनी है और ऐसे ही हम सारे कंप्लीट करेंगे। पूरा कंप्लीट कर लिया आगे से और पीछे से भी। अब हमें क्या करना है, इस साइड की बूटी लेनी है, कोई भी बूटी चलेगी, और हमें इस साइड में लगाना है। इससे पहले हम वाइट बूटी लेंगे। हमने इसके पीछे ग्लू लगाया और इसे इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमने ये ब्राउन बूटी ली है, इसके पीछे ग्लू लगा के
हमने उसे यहाँ पर लगा दिया। फिर हमने एक और वाइट पुट्टी ली, उसे हमने इधर पे लगा के इस किनारे पे लगा दिया। सेम हम इस साइड भी करेंगे, क्योंकि हमारे पीछे में इतनी स्पेस नहीं है तो हम पीछे नहीं देंगे, हम सिर्फ सामने ऐसे वैसे देंगे। और अब हमें पिकॉक का मेन पोर्शन, पिकॉक की कलगी यानी कि पिकॉक का क्राउन बनाना है, जो कि हम बनाएंगे इस साइड के ये मेटल रिंग आते हैं इसकी मदद से। इस पर हम इस सेंटर पे ग्लू लगाएंगे ज़रा सा, और एकदम पिकॉक के हेड पे इसे फिट करेंगे। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमें इसके सेंटर पे बस एक रिंग दे देनी है, ताकि उसका जो होल है वो कवर अप हो जाए। तो हमने एक बॉल या गोल्डन बीट इस पर ठीक से लगानी है। हमारा पिकॉक कैंडल होल्डर रेडी है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।